हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशिक गैलरी। और आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से आंखों में पेंसिल शेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैं ऑलरेडी पेंसिल ड्राइंग कर चुका हूँ। सो अभी मैं इसमें शेडिंग करूंगा। सो किस तरीके से मैं बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्ड एरिया में शेडिंग करता हूँ पेंसिल शेडिंग, वो आप अच्छी तरीके से देखिए समझिए। तो फिर फ्रेंड्स बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉइंग या मिशन वर्क चाहिए या आप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल आईडी शेयर किया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कमीशन वर्क और पोर्ट्रेट वगैरह ड्राइंग करता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी शुरू करते हैं पेंसिल शेडिंग। मैं धीरे धीरे लाइट और डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके शेडिंग करूंगा। आप क्लोजली देखिए कि मैं किस तरीके से करता हूं। आप देखिए फ्रेंड्स कि मैं किस तरीके से पेंसिल शेडिंग कर रहा हूँ। मैं डार्क एरियाज में पहले लाइट टोन दे रहा हूँ और एक बार जब कंफर्म होने के बाद मैं इसमें डार्क भराऊंगा। सो इसी तरीके से मैं स्टार्टिंग में पेंसिल शेडिंग शुरू करता हूँ। अब देखिए कि मैं किस तरीके से लाइट टोन से पहले ड्राइंग को क्लियर कर रहा हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स कि मैं लाइट टोन देने के बाद किस तरीके से धीरे धीरे आप डार्क को बढ़ा रहा हूं। अब देखिए फ्रेंड्स कि मैं किस तरीके से धीरे धीरे ड्राइंग को क्लियर कर रहा हूं और शेडिंग को इम्प्रूव कर रहा हूं। स्किन के टेक्सचर में मैं धीरे धीरे पहले लाइट करके मैं शेडिंग कर रहा हूं और जरूरत के हिसाब से मैं धीरे धीरे डार्क दूंगा। आप देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूं। आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये जो रिंकल्ड स्किन यहाँ पर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, देखिए मैं किस तरीके से इसमें शेडिंग कर रहा हूँ बहुत ही पेशेंटली। अब देखिए मैं स्मॉल साइज का पेपर स्टाम्प को यूज करके पेंसिल स्ट्रोक्स वगैरह को मार्च कर रहा हूँ, स्मूथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं 0.5 वाला मैकेनिकल पेंसिल लिया है थोड़ा और डार्क बढ़ाने के लिए। तो छोटे छोटे डिटेल्ड एरिया में शेडिंग करने के लिए आपको मैकेनिकल पेंसिल का जरूरत पड़ेगा। अब देखिए आईब्रो में मैं पहले तो लाइट करके टोन दिया था, यहाँ पर अभी मैं धीरे धीरे बालों की कैरेक्टर के हिसाब से मैं स्ट्रोक दूंगा। अब जो भी लाइन यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड हुआ है उनको फिर से पेपर स्टाम्प यूज करके मैं सॉफ्ट बनाऊंगा मार्च करके। अभी फ्रेंड्स मैं टोम्बो मोनो जीरो इरेजर यूज करके हाईलाइट दूंगा जहाँ पर भी मुझे जरूरत है, जिससे कि रिंकल्ड स्किन में आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से हाईलाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से ही आपको धीरे धीरे बहुत ही पेशेंटली ड्राइंग को डेवलप करना पड़ेगा, शेडिंग को कम्प्लीट करना पड़ेगा अगर अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो। तो पहले वाले आँख में शेडिंग कंप्लीट करने के बाद मैं अभी दूसरे वाले आँख में शिफ्ट करूंगा और आप देखिए कि जिस टेक्निक से मैं पहले वाला आँख में शेडिंग किया है उसी टेक्निक से ही दूसरा वाला आँख में भी शेडिंग करने की कोशिश करूंगा। आप देखिए किस तरीके से करता हूँ मैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैं पहले बहुत ही लाइट करके स्ट्रोक्स दूंगा और ड्राइंग को क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे डार्क बढ़ाऊंगा। शेडिंग में डार्क बढ़ाने से पहले मैं पेपर स्टाम्प को यूज करके जो रिंकल्ड स्किन है वहां पर शेडिंग करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। सो लाइट टोन देने के बाद अभी मैं धीरे धीरे इसमें डार्क बढ़ाऊंगा। अब देखिए मैं किस तरीके से बढ़ाता हूँ।
सो इसीलिए मैं 0.5 वाला मैकेनिकल पेंसिल्स में यूज करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स के दोनों आंखों में पेंसिल शेडिंग कंप्लीट होने के बाद कैसा दिख रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको दोनों आंखों में पेंसिल शेडिंग। आपको अगर कोई पोर्ट्रेट ड्राइंग चाहिए या फिर कोई कमीशन वर्क चाहिए तो फिर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। मैं मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, सो आप ईमेल से मुझको मेल भेज सकते हैं। तो फाइनली अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिले और ढेर सारे ड्राइंग रिलेटेड वीडियो बनाने का। तो फिर फ्रेंड्स अभी आप डिफरेंट एंगल से दोनों आंखों का ये ड्राइंग एंजॉय कीजिए।